वेलकम फ्रेंड्स, मैं हितेश रावत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, भाई देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, अ 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ 400 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 40 सेकंड, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। यानी कि 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है, तो उस रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करें। ये हमारे सामने भाई क्वेश्चन है। तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप सभी से समझाया था, बिल्कुल बेसिकली और डीपली तरीके से समझाया था कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी ऐसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगी जिसकी खुद की क्या होती है, लंबाई होती है, तो वो अपनी लंबाई और साथ साथ उस दूसरी वस्तु की लंबाई को क्रॉस करेगी। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने क्या मान लिया भाई, प्लेटफॉर्म मान लिया, और ये मैंने क्या मान ली, रेलगाड़ी मान ली। जब ये इसे क्रॉस करेगी तो कब क्रॉस होगा ये, जब ये इस तरह से होगा, यानी कि प्रॉपर यहां तक पहुंच जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस रेलगाड़ी ने अपनी लंबाई के साथ साथ इस प्लेटफॉर्म की लंबाई को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। तो भाई यहां से देखो, सिंपल फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड गुणा टाइम बराबर डिस्टेंस। ये चीज है, स्पीड मुझे निकालनी है, टाइम 40 सेकंड दे रखा है। तो इन क्वेश्चंस के अंदर डिस्टेंस क्या होता है भाई, डिस्टेंस होता है रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई, और मैंने अभी बताया दोनों की लंबाई को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, यानी कि ऐड कर देंगे। तो भाई रेलगाड़ी थी 300 मीटर लंबी, प्लेटफॉर्म था 400 मीटर लंबा, दोनों की लंबाई को जोड़ू कितना हो गया, 700 मीटर हो गया भाई। ये चीज है। अब उसके बाद देखो टाइम किसमें दे रखा है, सेकंड के फॉर्म में, स्पीड पता नहीं, टाइम 40 सेकंड, डिस्टेंस कितना हो गया भाई 700। तो स्पीड यहां से कितनी हो गई, 70/4, यानी कट कर वैल्यू यहां से कितनी हो गई, 35/2। अब आप एक सिंपल सी बात देखो, डिस्टेंस किस फॉर्म में आ गया, मीटर की फॉर्म में, टाइम किस फॉर्म में आ गया, सेकंड की फॉर्म में। तो यहां से जो मुझे मिली है 35/2, ये क्या मिली है मुझे, मीटर पर सेकंड मिली है भाई। लेकिन मुझसे क्वेश्चन में क्या कहा गया था, मुझसे क्वेश्चन में कहा गया था कि मुझे स्पीड चाहिए उसकी किलोमीटर पर आवर। तो इस मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुणा करूंगा, 18/5 से। ये मैं आप सभी को बता ही चुका हूं था स्पीड टाइम डिस्टेंस के फर्स्ट पार्ट के अंदर भी। तो देखो 5 से कट कर वैल्यू यहां कितनी हो गई, 7, 2 से कट कर वैल्यू यहां कितनी हो गई, 9, 7/9 कितना आंसर हो गया, 63 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। तो बस मेन मुद्दे की बात ये थी, जब भी कोई रेलगाड़ी अपने अलावा कोई दूसरी ऐसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करे जिसकी खुद की भी कोई ना कोई लंबाई है, तो अपनी लंबाई और साथ साथ दूसरी ऑब्जेक्ट की लंबाई को भी क्रॉस करेगी, चाहे वो प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो टनल हो, चाहे वो दूसरी रेलगाड़ी हो, या इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज हो जिसकी लंबाई होती है, तो अपनी लंबाई प्लस दूसरी ऑब्जेक्ट की लंबाई दोनों को क्रॉस करेगी। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या है। अ 225 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ 375 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 36 सेकंड, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। यानी कि 225 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी 375 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है, तो उस रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करें। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो भाई जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन सोल्व किया उसी तरह हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, यूनिवर्सल फॉर्मूला, यानी कि स्पीड गुणा टाइम बराबर डिस्टेंस। तो आप लोगों को पता चल चुका है डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, कि भाई रेलगाड़ी की लंबाई और साथ साथ किसकी लंबाई को जोड़ू मैं, प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो भाई डिस्टेंस यहां से कितना हो गया, 225 + 375, ये चीज हो गई भाई 006, यानी कि डिस्टेंस यहां से कितना हो गया, 600 मीटर। स्पीड मुझे पता नहीं, टाइम 36 सेकंड, दूरी कितनी हो गई 600, तो स्पीड यहां से कितनी हो गई 600/36, 6 से वैल्यू काट दी यहां 6 या 100, फिर 2 से काट दी भाई 50 और 3, यानी कि अगर उसकी स्पीड मुझे, अब अगर मुझे इसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो भाई इसी 50/3 को हमें किससे गुणा करना होगा, 18/5 से। कट कर वैल्यू यहां कितनी हो गई 6, इससे कट कर वैल्यू कितनी हो गई 10,
आंसर कितना हो गया भाई 60 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन सोल्व किया उसी तरह इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। बस आप लोगों को सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, मैं बार बार उसी बात को रिपीट कर रहा हूं, और वो बात ये है कि जब भी कोई रेलगाड़ी अपने अलावा किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करे जिसमें लंबाई होती है तो वो अपनी लेंथ प्लस दूसरी ऑब्जेक्ट की लंबाई को क्रॉस करेगा भाई। ये बात क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 90 किलोमीटर पर आवर एंड इट क्रॉसिस द प्लेटफॉर्म इन 30 सेकंड। इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 325 मीटर फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। यानी कि एक रेलगाड़ी की चाल 90 किलोमीटर पर आवर है और वह किसी प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 325 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें, यह हमारे सामने क्वेश्चन है। तो भी देखो क्वेश्चन कुछ भी अलग नहीं है, जैसे क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में दो क्वेश्चन अभी किए हैं उसी तरह इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बस आप एक सिंपल सी चीज देखो, यहां पर देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, स्पीड गुणा टाइम बराबर डिस्टेंस, ये चीज होती है भाई। अब आप एक बात देखो इन क्वेश्चन में क्या होता है, आपसे स्पीड पूछ लेगा टाइम और डिस्टेंस दे देगा, या फिर स्पीड और डिस्टेंस दे देगा टाइम पूछ लेगा, या फिर स्पीड टाइम देकर डिस्टेंस पूछ लेगा। तो हमेशा ही इन क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है, इन तीन चीजों में से दो चीज तो गिवन होगी और तीसरी चीज हमें फाइंड करनी होती है। कई बार इन क्वेश्चन में क्या देगा, स्पीड निकालो, इन क्वेश्चन क्या देगा डिस्टेंस निकालो, इन क्वेश्चन में क्या क्या देगा टाइम निकालो। तो करने का तरीका क्या होता है, सभी क्वेश्चन को सेम होता है, आप उस चीज की टेंशन ना लो। तो जरा यहां देखो भाई, अब इसने क्या बात कह दी, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर, यानी कि भाई स्पीड कितनी होगी मेरे पास 90 हो गई, ये चीज है। किसी प्लेटफॉर्म को कितने समय में क्रॉस करना है, 30 सेकंड में क्रॉस करना है, 30 सेकंड के अंदर। अब आप एक सिंपल सी बात देखो, टाइम मेरे पास किस फॉर्म में है, सेकंड की फॉर्म में। और इसने क्या बात कह दी, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 325 मीटर, 325 प्लेटफॉर्म की लंबाई पता नहीं प्लस एक्स, लंबाई मीटर में टाइम सेकंड में, तो स्पीड भी किसमें चाहिए भाई मुझे, मीटर पर सेकंड में चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको मैं किससे गुणा कर दूंगा, 5/18 से गुणा कर दूंगा भाई। यहां तक बात क्लियर होगी? अब आप खुद देखो स्पीड मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गई, टाइम सेकंड में है, डिस्टेंस किस फॉर्म में रहा मीटर की फॉर्म में, हो गई भाई सारी चीज पुट। तब आप खुद देखो कट कर वैल्यू यहां कितनी, 5 25, 25 गुणा 3 75 यानी कि 75 0 प्लस का 325 इधर आगे क्या हो गया माइनस, बराबर क्या हो गया भैया एक्स। जरा यहां देखो 10 में से 5 गए 5, 4 में से 2 गए 2, 7 में से 3 गए 4, यानी कि भाई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 425 मीटर। और एक्स मैंने क्या माना था, प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो आप खुद देखो प्लेटफॉर्म की लंबाई 425 मीटर आ गई, कुछ भी मैंने अलग किया नहीं, बस एक सिंगल फॉर्मूले का मैं यूज कर रहा हूं। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड गुणा टाइम बराबर डिस्टेंस, ये बात क्लियर है? तो इस बात से घबराने की जरूरत नहीं होती कि आपसे प्लेटफॉर्म की लंबाई कह दे या रेलगाड़ी की लंबाई कह दे, हम दोनों क्वेश्चन को इसी तरीके सोल्व करेंगे। अगर आप सोच कर देखो इसी क्वेश्चन में अगर मुझसे ये पूछता कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, आप ये मान लो एक सेकंड के लिए कि ये भाई प्लेटफॉर्म की लंबाई है, तो कोई फर्क पड़ता, जब भी मुझे ये निकालना पड़ता तब भी मैं इस क्वेश्चन को इसी तरह सोल्व करता। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज देखकर आप लोग मत घबराओ, बस वो आपको सिर्फ लैंग्वेज से डराता हूं, लैंग्वेज से डरने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। कंसेप्ट क्या रहेगा सभी क्वेश्चंस का सेम रहेगा भाई, बात क्लियर है? अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 70 किलोमीटर पर आवर एंड इट क्रॉसिस द प्लेटफॉर्म इन 40.5 सेकंड। If the length of the train is 46 meter, find the length of the platform. यानी कि एक रेलगाड़ी की चाल 70 किलोमीटर पर आवर है और वह किसी प्लेटफॉर्म को 40.5 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 46 मीटर है तो उस प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो भाई जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन वही है। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, फॉर्मूला, और फॉर्मूला आप सभी को पता है, स्पीड गुणा टाइम बराबर डिस्टेंस, ये चीज होगी ठीक है। अब यहां से देखो स्पीड कितनी उसकी 70 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है 40.5 सेकंड। अब आप एक बार देखो इस 40.5 सेकंड को मैं कह सकता हूं 40 into 2 80 plus 1 कितना हो गया भाई 81
बाय टू सेकेंड, तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, वी प्लस होता है। 46 मीटर लंबाई किसकी हो गई, रेलगाड़ी की। प्लेटफॉर्म की नहीं पता, मैंने क्या मान ली, प्लस एक्स की, ये चीज हो गई। अब डिस्टेंस सारा मीटर में है, टाइम सेकंड में है, स्पीड भी मुझे किस में चाहिए, मीटर पर सेकंड की फॉर्म में मुझे स्पीड चाहिए। यहां तक बात क्लियर? तो देखो भाई, अब 9 से वैल्यू काट दी, यहां कितना हो गया 2, यहां कितना हो गया भाई 9, ये चीज हो गई भाई। 2 से वैल्यू काट दी, यहां कितना हो गया 35। अब मुझे क्या करना, सर देखिए आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि 35 × 45/2 = 46 + x। तो भाई जरा मैं यहां दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 35 × 45 को भाई, 25, 2 यहां गया भाई, 5 × 4 = 20, 20 + 35 + 7, 3 × 4 = 12 + 3 = 50। यानी कि यहां से दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ गई, 1575/2। 2 से वैल्यू काट देता हूं जरा, 7, 8 कितना हो गया भाई, 7.5 = कितना हो गया भाई, 46 + x, ये चीज होगी। प्लस का 46 इधर आ क्या हो गया भाई, माइनस, तो भाई एक्स की वैल्यू यहां से कितनी हो गई, 787.5 - 46, तो भाई 0.5, तो यू का वैल्यू 7 में से 6 गए 1, 8 में से 4 गए भाई 4, और पीछे वैल्यू क्या आ गई, ये 741.5 मीटर, ये हो गई भाई उस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो देखो इस बात की टेंशन मत लेना कि आप ये सोचो कि भाई प्लेटफॉर्म तो पॉइंट्स में आ रहा है, भाई लंबाई पॉइंट्स में भी पॉसिबल होती है, जरूरी नहीं है प्रॉपर ही हो। आप किसी भी चीज की लंबाई देख लो, जरूरी नहीं होता कि हर बार प्रॉपर ही हो। आपको वैल्यू ऐसे मिल सकती है 12.6 मीटर, 17.8, 18.9, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप ये मत सोचना कि आप कहां से पॉइंट्स में आ रहा है तो गलत होगा भाई, ठीक है। तो इसी रीजन उसके मैंने क्वेश्चन दिया है कि आपका टाइम भी फ्रैक्शन की फॉर्म में हो सकता है और जो आपका आंसर है वो भी पॉइंट्स की फॉर्म में हो सकता है। बात क्लियर आप सभी को? तो घबराने की जरूरत नहीं है भाई। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, अ 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर, इन हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस अ 300 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो बताइए वह 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर देगी। तो देखो जैसे मैंने आपसे इसे थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है स्पीड गुणा टाइम बराबर डिस्टेंस, ये हमारे पास होता है भाई फॉर्मूला होता है, है कि नहीं। अब आपसे मैंने पहले भी ये बात कही थी कि इन तीन चीजों में से आपसे दो चीज देकर तीसरी पुटअप कर देगा। अब इस क्वेश्चन में क्या दे दिया, मेरे पास स्पीड भी है और मेरे पास डिस्टेंस भी है, मुझे सिर्फ क्या निकालना है भाई, टाइम निकालना है। तो देखो जरा स्पीड कितनी कह दी, 75 किलोमीटर पर आवर, टाइम मुझे पता नहीं, डिस्टेंस क्या होगा भाई एड, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, दोनों को जोड़ूंगा कितना हो गया भाई 500 मीटर हो गया कि नहीं हो गया। अब आप एक सिंपल सी बात देखो, डिस्टेंस मेरा मीटर में है तो स्पीड मुझे किस में चाहिए होगी, मीटर पर सेकंड में। तो इस चीज को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैं किससे गुणा कर दूंगा, 5/18 से, यानी किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए तो 18/5 से गुणा कर रहा था और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करूंगा भी। यहां तक बात ठीक है? अब देखो दोनों की दोनों वैल्यू किससे कट रही है भाई, 3 से कट रही है, 3 से काट दी, यहां कितना हो गया 6, यहां कितना हो गया 25, ये चीज होगी भाई। तो टाइम यहां से कितना हो गया 500 × 6/25 × 5, ये चीज हो गई। 25 से कटकर वैल्यू कितनी हो गई भाई 20, 5 से कटकर वैल्यू कितनी हो गई 4, 6 × 4 आंसर कितना हो गया भाई 24 सेकंड। ये 24 सेकंड क्यों आया, क्योंकि डिस्टेंस किस फॉर्म में था, मीटर की फॉर्म में, स्पीड को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर पर सेकंड में, तो टाइम हमेशा किस फॉर्म में आएगा, सेकंड की फॉर्म में आएगा भाई। बात क्लियर है? तो बस ये चीज ध्यान रखनी है, मीटर सो अगर आपके पास स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो उसे किस में चेंज करोगे आप, मीटर पर सेकंड, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मूला आप सभी को पता है ही, इन तीन चीजों में से दो चीज देगा और एक गायब कर देगा भी। मेरे ख्याल से बात आप सभी के लिए हो चुकी होगी। अब चलते हैं इनके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, अ 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 88 किलोमीटर पर आवर, इन हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस अ 420 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। यानी कि एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी 88 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो बताइए वह 420 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी, ये हमारे सामने क्वेश्चन है भाई।
तो देखो जैसा क्वेश्चन हमने अभी सोल्व किया सेम उसी तरह है, बस थोड़ी सी वैल्यू अलग है, करने का तरीका क्या रहेगा बिल्कुल सेम रहेगा भाई। फॉर्मूला हमारे पास क्या है भाई, एस टी डी, यानी कि स्पीड गुणा टाइम बराबर डिस्टेंस। स्पीड कितनी भाई 88 किलोमीटर पर आवर, टाइम मुझे निकालना है, दूरी कितनी हो गई भाई 240 सीए और 420 सीए, इन दोनों को ऐड करूं तो कितना हो गया 660 मीटर, ये चीज हो गई भाई। यहां तक बात क्लियर आप सभी को? अब उसके बाद देखो डिस्टेंस किस फॉर्म में है, मीटर की फॉर्म में है, तो स्पीड भी मुझे किस फॉर्म में चाहिए, मीटर पर सेकेंड की फॉर्म में चाहिए। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको किससे गुणा करूंगा, मैं 5/18 से गुणा करूंगा। तो भाई 2 से वैल्यू कट गई, यहां 9, यहां कितना हो गया 44, 22 से काट दिया भाई यहां 2, यहां कितना हो गया 3, 30 हो गया, फिर 2 से वैल्यू काट दी, ये कितना हो गया भाई 15, फिर 5 से कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया भाई 3, टाइम कितना हो गया यहां पर 9 की 3 से गुणा कर दूंगा, आंसर कितना हो गया भाई यहां से 27 सेकंड, कितना आंसर हो गया भाई यहां से 27 सेकंड, यानी कि 27 सेकंड के अंदर वो रेलगाड़ी उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर देगी। बात क्लियर आप सभी को? तो कहने का मतलब देखो ये होता है कि वैल्यू चाहे कुछ भी हो, करने का तरीका क्या रहेगा सभी का सेम रहेगा। इन तीनों चीजों में से 2 चीज देकर आपसे एक चीज ही पुटअप करेगा भाई। बात क्लियर? अब चलते हैं नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, अ ट्रेन क्रॉसेस अ पोल इन 3 सेकंड एंड अ 120 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 9 सेकंड। फर्स्ट पॉइंट है भाई फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर, और सेकंड है फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन। इस क्वेश्चन का मतलब सिंपल सा ये है कि भाई एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 3 सेकंड में पार करती है और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 9 सेकंड में पार करती है। तो पहला पॉइंट है कि रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करें, और दूसरा पॉइंट है कि रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को बहुत से एग्जाम में देखने को ये क्वेश्चन जरूर मिलता है, और इस एक क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन पॉसिबल होते हैं, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे कौन सा पूछे, फर्स्ट या सेकंड पूछे भाई। तो भैया आप देखिए जरा इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं। इसने क्या बात कह दी, एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 3 सेकंड में पार कर रही है। अब आप एक सिंपल सी बात देखो, किसी खंबे को पार कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो रेलगाड़ी खुद को पार कर रही है, है कि नहीं? बताया था भाई जब भी कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करेगी या किसी आदमी को पार करेगी तो वह सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई पार करेगी, यानी को खुद की लंबाई पार कर रही है, और खुद की लंबाई को पार करने में उसे कितना समय लग रहा है भाई, 3 सेकंड का समय लग रहा है। फिर उसने क्या बात कह दी कि अब बाद में या अब उसी वक्त कि वो प्लेटफॉर्म को तो 9 सेकंड में पार कर रही है, तो प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब क्या हुआ कि भाई वो अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी क्रॉस कर रही है, इसका मतलब ये हुआ, और दोनों को क्रॉस करने में उसे कितना समय लग रहा है, 9 सेकंड का समय लग रहा है, ये हमारे पास बात हो गई। खंबे को पार किया तो किसे पार किया, खुद को, कितने समय में पार किया, 3 सेकंड में। प्लेटफॉर्म को पार किया तो किसे पार किया, खुद को, और प्लेटफॉर्म को, कितने समय में, 9 सेकंड में। अब आप खुद देखो खुद का समय कितना है 3, तो जहां पर सेल्फ है वहां पर रख दो भाई 3 सेकंड, लो जी 3 + प्लेटफॉर्म = 9, तो प्लेटफॉर्म की वैल्यू यहां से कितनी हो गई, 6 सेकंड हो गई, कि नहीं होगी, क्योंकि प्लस का 3 उधर जा क्या हो गया माइनस। तो अब इसका मतलब सिंपल सी बात देखो कि उसे सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना समय लग रहा था, 6 सेकंड का समय लग रहा था भाई, इसका मतलब तो ये हुआ। अब आप एक बात देखो, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 120 मीटर। अब जरा यहां देखो, स्पीड गुणा टाइम बराबर डिस्टेंस। स्पीड मुझे पता नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना समय लगा, 6 सेकंड, तो सिर्फ और सिर्फ जो प्लेटफॉर्म क्रॉस हुआ है तो लंबाई भी मैं सिर्फ और सिर्फ किसकी लूंगा, प्लेटफॉर्म की, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी थी 120, तो स्पीड यहां से कितनी आ गई, 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन मुझे स्पीड किस फॉर्म में चाहिए, किलोमीटर पर आवर की फॉर्म में, तो इसी 20 मीटर पर सेकंड को किससे गुणा कर दूंगा, 18/5 से, कट कर वैल्यू 4, यहां से कितना हो गया कि उस रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर आवर में कितनी थी, 72 किलोमीटर पर आवर, ये उस रेलगाड़ी की स्पीड थी भाई। यहां तक बात क्लियर?
अब देखो उसने सेकंड पॉइंट मुझसे क्या पूछा कि ये बताओ रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तब अब एक बात देखो, सिर्फ और सिर्फ उसने मुझसे किसकी लंबाई पूछी, रेलगाड़ी की। अब रेलगाड़ी की लंबाई कैसे निकलेगी, जब मैं रेलगाड़ी से सिर्फ और सिर्फ किसे क्रॉस करूंगा, खंबे को क्रॉस करूंगा। और खंबे को क्रॉस करने में कितने सेकंड का समय लग रहा है, 3 सेकंड का समय लग रहा है। लो जी फॉर्मूला मेरे पास ये रहा, स्पीड गुणा टाइम बराबर डिस्टेंस। तो टाइम मेरे पास सेकंड में है तो स्पीड में कौन सी लूंगा, मैं लूंगा मीटर पर सेकंड वाली, यानी कि 72 नहीं क्या लूंगा 20। तो भाई 20 गुणा 3 बराबर कितना आंसर हो गया 60 मीटर, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई थी 60 मीटर और उसकी चाल थी किलोमीटर पर आवर में 72। भाई ये हो गया दोनों क्वेश्चंस का आंसर। अब ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के मूड के ऊपर कि आप लोगों से फर्स्ट पॉइंट पूछे या सेकंड पॉइंट पूछे। मैं फिर कह रहा हूं काफी अच्छे ये क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में देखने को मिलते हैं और मोस्टली एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। भाई बात क्लियर, अब चलते ही नहीं के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, अ ट्रेन क्रॉसिस अ पोल इन 8 सेकंड एंड अ 300 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 20 सेकंड। फर्स्ट पॉइंट है भाई फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर, और सेकंड पॉइंट है फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन, यानी कि एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 8 सेकंड में पार करती है और एक 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करें और रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। तो भाई जैसा क्वेश्चन हमने अभी सोल्व किया उसी तरह इस क्वेश्चन को दोबारा सोल्व करेंगे। तब आप एक सिंपल सी बात देखो, जब भी वह रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करेगी तो सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई को पार करेगी, यानी कि खुद को पार करेगी, और खुद को पार करने में उसे कितना समय लगा, 8 सेकंड का समय लग रहा है। अब आ जाओ जरा प्लेटफॉर्म पर, भाई प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में उसे कितना समय लगा, 20 सेकंड। तो ये 20 सेकंड किस किस का समय है, उसकी खुद की लंबाई का यानी कि सेल्फ और प्लेटफॉर्म की लंबाई का, दोनों को पार करने में लगा उसे 20 सेकंड का समय। तो भी देखो खुद को पार करने में लगा उसे 8 सेकंड, तो जहां सेल्फ है 8 रख दिया और प्लेटफॉर्म का मुझे पता नहीं, बराबर 20 प्लस का 8 उधर जाके माइनस, यानी कि प्लेटफॉर्म को पार करने में लेगी वो 12 सेकंड। तो भैया 12 सेकंड जो आए है ना, ये सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म का आया है, यानी कि उस 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को ये सिर्फ और सिर्फ 12 सेकंड में पार कर सकती है। तो भी जरा यहां से देखो, यहां से मुझे क्या मिल जाएगी, रेलगाड़ी की स्पीड, स्पीड मुझे पता नहीं, टाइम 12, डिस्टेंस कितना 300। तो भाई स्पीड यहां से कितनी हो गई, 300 बटे 12, 6 से वैल्यू काट दी भाई 2, यहां कितना हो गया 50, फिर 2 से काट दी 25। तो भी स्पीड यहां से कितनी हो गई, 25 मीटर पर सेकंड। लेकिन मुझे चाहिए किस फॉर्म में थी, किलोमीटर पर आवर में, तो इसी 25 मीटर पर सेकंड को 18 बटे 5 से गुणा करूंगा, कट कर वैल्यू 5, 18 पंजे कितना आंसर हो गया, 90 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर भाई, ठीक है। अब आते हैं जरा इसी के सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट में इसने क्या बात कह दी कि मुझे रेलगाड़ी की लंबाई चाहिए, तो रेलगाड़ी की लंबाई चाहिए वो मुझे कैसे मिलेगी, जब वो किसी पोल को पार करेगी, यानी खुद की लंबाई को पार करेगी भाई, ठीक है। तो खुद को पार करने में कितना समय लगा, 8 सेकंड, और रेलगाड़ी की स्पीड कितनी थी, 25 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड क्यों लिया, क्योंकि टाइम मेरे पास किस फॉर्म में था, सेकंड की फॉर्म में। तो भाई यहां से 25 गुणा 8 बराबर कितना हो गया, 200 मीटर। ये हो गई भाई रेलगाड़ी की लंबाई, यहां तक बात की है। अब उसके बाद देखो आप सर, इसको एक तरीके से और सोल्व कर सकते हैं, वो कैसे जरा यहां देखो, इसने क्या बात कह दी कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना समय लगा, 20 सेकंड का समय लगा भाई, ठीक है। अब आप एक बात देखो, स्पीड गुणा टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, स्पीड कितनी मीटर पर सेकंड में लूंगा, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कितने समय में किया भाई, 20 सेकंड में किया। अब आप उसके बाद देखो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 300 मीटर, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, जमा एक्स, बताया था ना पहले आप लोगों से कि भाई रेलगाड़ी की लंबाई क्या दे, प्लेटफॉर्म की क्या दे, सेम तरीके से क्वेश्चन होगा भाई।
ठीक है। अब देखो 25 को गुणा कर दिया 20 से, कितना हो गया भाई 500 बराबर कितना हो गया 300 जमा x, जमा का 300 इधर क्या हो गया माइनस, तो भाई x की वैल्यू यहां से भी कितनी हो गई 200 मीटर। तो आप चाहो तो देखो इसे प्लेटफॉर्म से भी निकाल सकते हो, लेकिन फर्क क्या होगा, यहां पर आपके दो या तीन स्टेप हो जाएंगे और यहां पर आपका सिंगल स्टेप में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने दोनों क्वेश्चन को बार बार सिर्फ और सिर्फ किससे लेके सोल्व किया है, फोन से, ताकि क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो और मेरा टाइम कम बच सके। बात क्लियर है? अब चलते हैं इनके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, अ ट्रेन क्रॉसेस अ पोल इन 12.5 सेकंड एंड अ 180 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 27.5 सेकंड, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। यानी कि एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 12.5 सेकंड में पार करती है और 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27.5 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करें और रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो जैसे ही हमने पिछले क्वेश्चन को सोल्व किया उसी तरह इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जरा यहां देखिए, खंबे को क्रॉस करना यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपने आप को क्रॉस करना, और अपने आप को क्रॉस करने में उसे लगे 12.5 सेकंड लगे। प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना यानी कि भाई अपनी लंबाई क्रॉस करना और साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई क्रॉस करना, और दोनों को क्रॉस करने में कितना समय लगा, 27.5 सेकंड का समय लगा। खुद को पार करने में 12.5 सेकंड लग रही थी प्लेटफॉर्म की, पता नहीं यहां कितना हो गया 27.5, ये वैल्यू उधर जाके क्या हो गई माइनस, तो सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म का टाइम यहां से कितना आ गया, 15 सेकंड का टाइम यहां से आ गया। ये बात क्लियर हो गई। अब आप एक बात देखो, जब टाइम यहां पर सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म का है तो लंबाई भी किसकी लूंगा, सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म की लंबाई लूंगा। फॉर्मूला क्या हो गया भाई, स्पीड गुणा टाइम बराबर डिस्टेंस। स्पीड पता नहीं, टाइम 15, डिस्टेंस कितना हो गया भाई 180 मीटर, तो स्पीड यहां से कितनी हो गई 12 मीटर पर सेकंड, ये हो गई भाई स्पीड यहां से। लेकिन मुझसे पूछी किस फॉर्म में थी, किलोमीटर पर आवर में, तो इसी चीज को मैं किससे गुणा कर दूंगा भाई 18/5 से। तो 18 × 10 180 जमा 36 कितना हो गया भाई, ये हो गया 216/5, यानी कि 43/1/5 किलोमीटर पर आवर, ये होगी इसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में, यानी कि 43/1/5 किलोमीटर पर आवर। सेकंड क्वेश्चन क्या था, रेलगाड़ी की लंबाई। तो पिछले क्वेश्चन मैंने बताया था कि भाई लंबाई निकालने के लिए खुद की स्पीड ठीक रहती है उससे जल्दी क्वेश्चन सोल्व होता है। तो भाई स्पीड गुणा टाइम बराबर डिस्टेंस, तो भाई स्पीड में यहां से क्या लूंगा 12 की, ये 12.5 सेकंड का समय था, तो इस समय को मैं कह सकता हूं 25/2। कटकर वैल्यू यहां कितनी 6 है, 25 × 6 कितना हो गया 150 मीटर लंबी क्या थी वो रेलगाड़ी थी। ये बात क्लियर हो गई भाई। या फिर आप सेकंड प्लेटफॉर्म से कर लो, आप सभी को पता है ही कि भाई स्पीड कितनी है 12 की, टाइम कितना ले रहा था भाई ये 27.5 सेकंड का समय ले रही थी, यानी कि भाई 55/2 सेकंड का समय आ गया। प्लेटफॉर्म की लंबाई 180 मीटर थी, यहां की पता नहीं एक्स हो गई, कट कर वैल्यू 6, यहां से कितना हो गया भाई 330 − 180 बराबर कितना हो गया भाई x, ये चीज हो गई। तो 180 इसमें से माइनस हो गया, तो x की वैल्यू यहां से कितनी हो गई 150 मीटर। तो कहने का मतलब ये है कि आप चाहे प्लेटफॉर्म लेके सोल्व कर लो, चाहे पोल लेके सोल्व कर लो, आंसर क्या आएगा सेम, लेकिन खंबा लेके सोल्व करोगे तो आपको जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा भाई। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 120 किलोमीटर पर आवर, इट क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म इन 21 सेकंड, इफ द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज 5/2 ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन, देन फर्स्ट पॉइंट इज फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म एंड सेकंड पॉइंट इज फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। यानी कि एक रेलगाड़ी की चाल 120 किलोमीटर पर आवर है, वह किसी प्लेटफॉर्म को 21 सेकंड में पार करती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई का 5/2 है, तो पहला पॉइंट है भाई रेलगाड़ी की लंबाई का, सॉरी प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें, और सेकंड पॉइंट है रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। ये क्वेश्चन हमारे सामने है। तो क्वेश्चन
मुश्किल भी नहीं है, आसान भी नहीं है, बस इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो काफी अच्छी लगी भाई। अब वो लैंग्वेज क्या, जरा देखो भाई, इसने क्या बात कह दी कि जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है ना वो रेलगाड़ी की लंबाई की 5/2 है। बस बच्चों को इसी पॉइंट पे आने के बाद दिक्कत होती है, तो जरा यहां देखो भाई, अपॉन का मतलब होता है रेशियो। मैं 5/2 कह दूं या इस चीज को 5:2 कह दूं, इन दोनों बातों का मतलब होगा सेम। इसका मतलब ये हुआ, मैंने ये मान लिया कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो गई 5x और भाई रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो गई 2x, ये चीज होगी। और भाई डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, ऐड होता है यानी प्लस होगा, तो भाई डिस्टेंस यहां से कितना हो गया 5x प्लस 2x इक्वल्स टू 7x, ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। फॉर्मूला हमारे पास वही, स्पीड गुणा टाइम बराबर डिस्टेंस, यानी कि देखो स्पीड कितनी 120 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना 21 सेकंड, डिस्टेंस कितना हो गया 7x हो गया भाई। टाइम सेकंड में है तो स्पीड भी किस फॉर्म में चाहिए, मीटर पर सेकंड की फॉर्म में, तो मैं गुणा किससे कर दूंगा इसको 5/18 से, 6 से काट दी वैल्यू 3, यहां कितना हो गया 20, 3 से कटकर वैल्यू कितनी हो गई 7, 20 गुणा 500, 100 गुणा 7, 700, 700 बराबर कितना हो गया भाई 7x, x की वैल्यू यहां से कितनी हो गई 100, ये चीज हो गई। अब देखो इसलिए फर्स्ट पॉइंट क्या बात कह दी, प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें, तो भाई प्लेटफॉर्म की लंबाई मैंने कितनी माननी थी 5x, तो लो जी प्लेटफॉर्म पूछे तो भाई 5 गुणा में 100 यानी कि 500 मीटर हो गया, और भाई सिर्फ और सिर्फ मुझसे रेलगाड़ी की लंबाई पूछे तो भाई 2 गुणा में 100 यानी कि 200 मीटर हो गए। बात ये है, तो बस जो मेन पॉइंट होता है इस क्वेश्चन में रखने का, बच्चे रखते हैं इस बात पर। बात ये है, तरीका सभी क्वेश्चन का वही है, स्पीड गुणा टाइम बराबर डिस्टेंस। अब चलते इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रह गई, स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 85 किलोमीटर पर आवर, इट क्रॉसिस अ प्लेटफॉर्म इन 36 सेकंड, इफ द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज 12/5 ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन। फर्स्ट पॉइंट, फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, एंड सेकंड पॉइंट इज फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। यानी कि एक रेलगाड़ी की चाल 85 किलोमीटर पर आवर है, वह किसी प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई की 12/5 है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें और रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। तो भाई जैसे क्वेश्चन हमने अभी किया उसी तरह इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है भाई, स्पीड गुणा टाइम बराबर डिस्टेंस। अब आप एक बार देखो, अपॉन का मतलब क्या होता है, रेशियो। इसका मतलब ये हो गया कि जो प्लेटफॉर्म की लंबाई थी वो कितनी हो गई 12x, और जो ट्रेन की लंबाई थी वो कितनी हो गई 5x, और दोनों को जोड़ूंगा तो डिस्टेंस यहां से कितना हो गया 17x, ये चीज हो गई। टाइम कितना दिया 36 सेकंड, स्पीड कितनी है उसकी 85 की, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो कन्वर्ट किसमें करूंगा मीटर पर सेकंड में, और किससे गुणा करूंगा 5/18 से। कटकर वैल्यू भाई यहां 2, 5 गुणा 2 10, 10 गुणा 85 कितना हो गया भाई 850 बराबर कितना हो गया 17x। कटकर वैल्यू भाई यहां कितनी हो गई 50, यानी कि भाई एक्स की वैल्यू यहां से आ गई 50, क्योंकि 17/85 भी ठीक है। अब देखो, अब इसने क्या कही थी प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो मैं क्या कहूंगा 12 गुणा 50 यानी कि 600, और मुझसे पूछे ट्रेन की लंबाई तो भाई 5 गुणा 50 कितना हो गया 250, ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर आप सभी को, उम्मीद करता हूं आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जय हिंद।